वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। तुम सब मरोगे अपने बच्चों। अरे आओ तो चल रहा हूँ। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। हरिद्वार में हुई धर्म संसद का असर देख लीजिए। एक तरफ जहां कई कट्टरपंथियों ने इतना बवाल शुरू कर दिया, यहां पर उसके खिलाफ किसी ने एक्शन नहीं लिया। उनकी इतनी मचलन शुरू हो गई कट्टरपंथियों की, उन मुस्लिम समुदाय ने भी धर्म संसद कर ली और ऐसे ऐसे ऐलान कर दिए कि पूछो मत। यहां पर सरेआम बोला गया कि यहां पर हिंदुओं को मारो, फिर यूपी पुलिस को भी ललकारा गया, लेकिन इस पर किसी को कुछ भी नहीं दिखा। न वामपंथी सरकार ने इस पर कुछ बोला, न कोई मौलाना इस पर ज्ञान देने आया। लेकिन जब वहां पर हरिद्वार में धर्म संसद नरसिंहानंद और रिजवी ने कुछ उस पर बोल दिया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी आज शनिवार को ही उनको गिरफ्तार किया गया था, नरसिंहानंद को, और ऐसे में उनको थाने लेकर गए, जिस पर लोगों ने कहा कि अगर उनको छोड़ा नहीं गया तो बवाल मचेगा। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद हर कोई हैरान है और यहां पर सभी लोग अब सड़क पर उतरने को कह रहे हैं। जितने भी हिंदू हैं वो कह रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया। अब नरसिंहानंद जब अस्पताल पहुंच गए हैं तो उसके बाद सारे हिंदू कह रहे हैं कि यहां पर जो हिंदू संगठन है, चाहे बड़े बड़े जो भी संगठन है, वो कह रहे हैं हम सड़क पर आएंगे और नरसिंहानंद के साथ अगर कुछ भी यहां पर गलत हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जी हाँ, गिरफ्तार किए गए महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने अभी अपना अनशन जारी रखा है। वहीं वामपंथी लगातार हरिद्वार धर्म संसद मामले पर उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्हें उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्हें फिलहाल अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने रस आहार अनशन जारी रखा है। उन्होंने कहा है कि जितेंद्र नारायण त्यागी को रिहाई तब तक नहीं होगा, उनका अनशन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि इस मामले में संतों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस किए जाने चाहिए। आपको बता दें कि शनिवार की रात गाजियाबाद के डासना स्थित शिव शक्ति धाम के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया गया था। उधर प्रोमनंद गिरी ने कहा है कि सनातन धर्म और संस्कृति को मानने वालों को इस कार्रवाई का प्रतिकार करना चाहिए। उन्होंने संतों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि अगर मुझे कुछ होता है तो हिंदू संगठन या जितने भी महंत हैं वो आपको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या सच में वाजिब था नरसिंहानंद और यहाँ पर रजवी को गिरफ्तार करने, क्योंकि मौलाना ने जिस तरीके से उकसाया यहाँ पर सबने देखा। यूपी पुलिस को भी ललकार है कि यूपी पुलिस में दम है तो आकर हमें पकड़ ले। लेकिन यहाँ पर पकड़ा किसे गया? नरसिंहानंद और रिजवी। और एक बार फिर अब नरसिंहानंद की तबीयत जब ज़्यादा खराब होने लगी है गिरफ्तारी के बाद, तो सारे हिंदू संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि अगर उन्हें कुछ होगा तो हम सड़क पर उतरेंगे और जिसने भी ये सब काम किया, जो भी इसके पीछे है, उसे तगड़ा सबक सिखाया जाएगा। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।